गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 42 कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर का पार्ट 1। तो फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द अल्टीमेट कॉज ऑफ कैंसर इज नॉट नोन बट इट इन्वॉल्व्स डिसऑर्डर इन नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ सेल डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन। तो कैंसर किस वजह से होता है ये अभी तक के क्लियर नहीं हुआ है, बट इसमें जो है जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है सेल डेवलपमेंट का और उसके इंटीग्रेशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन जो हम बोलते हैं, उसमें जब भी डिस्टरबेंस होता है कोई पर्सन के, तो वो पर्सन को कैंसर होता है। तो कैंसर ये ऐसा काइंड ऑफ डिसऑर्डर है सेल डेवलपमेंट का, मींस नॉर्मल जो सेल डेवलपमेंट होता है हमारे जो बॉडी में, सेल बनते हैं और सेल मरते भी है और डेड भी होता है सेल का, तो मींस उसका बैलेंस होता है। बट जो पेशेंट को कैंसर होता है उसमें कैंसर सेल का प्रोडक्शन अनकंट्रोलेबल रहता है, जिसके वजह से जरूरत से ज्यादा सेल डेवलप होते हैं और उसकी वजह से वो पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो यही चीज होती है हमारे कैंसर कंडीशन में और कैंसरस कंडीशन में, जिसमें जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है सेल डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन का वो एबनॉर्मल हो जाता है और उसका जो ऑर्डर होता है उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है। तो ये हम सिंपली कह सकते हैं कैंसर में एबनॉर्मल हो जाता है मैकेनिज्म ऑफ सेल डेवलपमेंट एज वेल एज इंटीग्रेशन ऑफ सेल। अब ये जो है कैंसर, ये कैंसर वो पर्सन को कब होगा जब ये कैंसर जनरेट करने वाला कोई एजेंट उसके बॉडी में जाएगा, तो वो एजेंट को बोलते हैं कार्सिनोजन। जो कैंसर को जनरेट करता है उसे हम बोलेंगे कार्सिनोजन, ऐसे एजेंट को हम बोलेंगे कार्सिनोजन। तो ये जब भी कार्सिनोजन कोई पर्सन के बॉडी में जाता है तो एक तो ऑर्गन को अफेक्ट करेगा या फिर उसके टिश्यू को या फिर उसके सेल को अफेक्ट करेगा या फिर कोई भी पार्ट में वो कांटेक्ट में आ गया तो वहां के पार्ट को वो अफेक्ट करेगा। जैसा ही ये कार्सिनोजन सेल के अंदर जाता है, ये जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसके साथ बाइंड हो जाता है और जो नॉर्मल सेल डेवलपमेंट होता है उसे ये डिस्टर्ब कर देता है, जिसके वजह से जो नया सेल है उसका रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है और ये जो कार्सिनोजन है ये जेनेटिक मटेरियल को अल्टर कर देता है और म्यूटेशन कर देता है और फिर नया सेल जो है म्यूटेट सेल जो होता है उसका अनकंट्रोलेबल डिवीजन होना चालू हो जाता है और इसकी वजह से ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। मींस कोई भी सेल जो है ये नॉर्मली जो है एक टिश्यू को या फिर ऑर्गन को शेप देता है, बट इन केस ऑफ कैंसरस ग्रोथ और वो पर्टिकुलर टिश्यू जो है वो ऑर्गन का अगर उसमें अनकंट्रोलेबल ग्रोथ चालू हो गया तो वो ऑर्गन और टिश्यू का शेप बिगाड़ देता है और उसका फंक्शन भी वो बिगाड़ देता है। तो जब भी ये कार्सिनोजन वो पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू के सेल में जाएगा वहां के जेनेटिक मटेरियल को डिस्टर्ब करेगा, जिसके वजह से सेल जो है सेल जो नॉर्मल सेल डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन और मल्टीप्लिकेशन जो कर रहा है उसका प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर वो नया प्रोसेस चालू करेगा जिसमें म्यूटेट सेल का प्रोडक्शन और डिवीजन चालू हो जाएगा और वो अनकंट्रोलेबल रहेगा। मींस उसका स्टॉप का बटन ही नहीं रहेगा, वो मल्टीप्लाई और डिवाइड होते जाएगा, जिसकी वजह से वो ऑर्गन जो है वो एक समय के बाद फंक्शन प्रॉपरली करना बंद कर देगा और उसके वजह से पेशेंट में वो ऑर्गन अल्टीमेटली फेल हो जाएगा या फिर वो ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो जब भी नॉर्मल जो ऑर्गन है और टिश्यू है उसका शेप बिगड़ेगा ड्यू टू दिस कैंसरस सेल मल्टीप्लिकेशन, तो वो पार्ट को हम बोलेंगे ट्यूमर। तो ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कैंसरस रहे। जो नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं उसे बिनिग्न ट्यूमर बोलते हैं और ये नॉन कैंसरस इन नेचर होते हैं, ये
पर्टिकुलर टाइम के लिए ही बढ़ते हैं। इसे हम वाया सिंपल सर्जरी भी निकाल सकते हैं और इसके रिमूवल के बाद वो पेशेंट को फिर से ये नहीं होता है और ये अनइवन जो ग्रोथ होती है बिनिग्न ट्यूमर की, ये वो पेशेंट को फिर से नहीं होती है। बट इन केस ऑफ मैलिग्नेंट और कैंसरस ट्यूमर इसमें बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो क्यों लेना पड़ता है वो हम देखते हैं। The cell of malignant tumor grows abnormally. पहला तो ये रीजन है कि malignant tumor जो होते हैं, इसके जो सेल होते हैं बहुत ही abnormally और fast और drastically multiply होते रहते हैं, grow होते रहते हैं और इनका जो arrangement होता है वो irregular होता है। After rupture of tumor, colonies are formed and then for complete cure of the disease, every cell must be destroyed. तो अगर हम ये malignant tumor के सेल को छेड़ते हैं या फिर कोई रीजन से ये ट्यूमर रप्चर हो जाता है और बर्स्ट हो जाता है तो ये ट्यूमर से जो सेल निकले हुए हैं ये फर्दर मल्टीप्लाई होना चालू करते हैं जहां पे भी ये जाते हैं। तो हमें अगर ये कैंसरस ट्यूमर निकालना है तो ड्यूरिंग सर्जरी ये हमें कंप्लीटली निकालना है। अगर इसमें से एक भी सेल बॉडी में रह जाता है तो वो फिर से ग्रो होना चालू होता है और फिर से कैंसर कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ये डेंजरस है कैंसरस सेल। तो कैंसर जो भी पेशेंट को और जो भी पर्सन को होता है वो पर्सन से वो पूरे के पूरे सेल निकालते हैं। अगर एक भी सेल वहां बचता है तो वो फिर से कैंसर प्रोड्यूस करता है। इसीलिए कैंसर की ट्रीटमेंट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। The surgical removal of tumor and destruction of tumor cell by radiation are the important method of treatment. तो surgical method से tumor को निकाल देते हैं, जो भी abnormal growth है वो particular tissue और organ का उसे surgical method से निकाल देते हैं और जो भी बचे हुए tumor cells है और अगर लगता है डॉक्टर को कि भाई वहां पे कुछ tumor cell वहां पे present है तो उसे रेडिएशन से डिस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन प्रोग्रेस इन द यूज ऑफ साइटोटॉक्सिक एजेंट एज अ ट्रीटमेंट। बट अभी जो है रेडिएशन और सर्जिकल मेथड के अलावा साइटोटॉक्सिक एजेंट जो है जो कि सेल को मारने का काम करते हैं और किल करने को काम करते हैं, जो कैंसरस सेल है उन्हें किल करने का काम करते हैं, ये भी रिसेंट में बहुत चलता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। द मेजर डिफिकल्टी इन यूजिंग दिस एजेंट इज दैट दे अफेक्ट बोथ ट्यूमर एज वेल एज नॉर्मल सेल। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है कि जो साइटोटॉक्सिक एजेंट होते हैं ये दोनों सेल को, जो नॉर्मल सेल है एज वेल एज जो ट्यूमर सेल है, ये दोनों को भी अफेक्ट करते हैं। मींस किल करना है तो दोनों सेल को किल करते हैं। मींस ये नॉन सिलेक्टिव इन नेचर है, मींस ये सिलेक्ट नहीं कर पाते और डिफरेंशिएट नहीं कर पाते बिटवीन ट्यूमर सेल एज वेल एज नॉर्मल सेल। तो इसी वजह से जब भी कोई कैंसरस पेशेंट है उसे हम साइटोटॉक्सिक एजेंट देते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस आती है, क्योंकि ये दोनों सेल पे काम करता है, नॉर्मल सेल पे भी काम करता है एज वेल एज ट्यूमर सेल पे भी काम करता है, जिसके वजह से साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट भी दिखते हैं हमें साइटोटॉक्सिक एजेंट्स के। इसके अलावा सेकेंडली द कैंसरस सेल कैन इन एडिशन डेवलप रेजिस्टेंस टू साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। तो जो पेशेंट है जिसे कैंसर हुआ है, अगर वो पेशेंट को हम कंटिन्यूअसली वो साइटोटॉक्सिक ड्रग दे रहे हैं तो वो पेशेंट के अंदर के जो कैंसरस सेल है वो रेजिस्टेंट डेवलप कर देते हैं अगेंस्ट दैट साइटोटॉक्सिक ड्रग। अनलाइक antimicrobial agents which affect selectively the infecting organism, the anti-cancer drugs are relatively non-selectively
नॉन सिलेक्टिव एंड अफेक्ट होस्ट सेल एज दे डू विद कैंसर सेल। तो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स में एंटीमाइक्रोबियल एजेंट क्या करते हैं, स्पेसिफिकली जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है और जो माइक्रोब है उसी को किल करते हैं, बट होस्ट सेल जो हमारी बॉडी है उसे कुछ भी अफेक्ट नहीं करते। बट हमारा जो एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग जो है ये नॉन सिलेक्टिव इन नेचर है, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये होस्ट सेल को भी अफेक्ट करता है एज वेल एज कैंसर सेल को भी अफेक्ट करता है। तो ये मेजर ड्रॉबैक है एंटी कैंसर ड्रग्स का। द मेजोरिटी ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स इंटरफेयर विद सेल प्रोलिफेरेशन एंड आर देयरफॉर ऑल्सो साइटोटॉक्सिक टू वाइड वेराइटी ऑफ नॉर्मल टिश्यूज एंड स्पेशली रैपिडली डिवाइडिंग सेल। तो ये जितने भी एंटी कैंसर ड्रग है ये सेल प्रोलिफेरेशन जो है, सेल मल्टीप्लीकेशन जो है उसमें इंटरफेयर करते हैं और अपना साइटोटॉक्सिक इफेक्ट दिखाते हैं, बट ये नॉन सिलेक्टिव इन नेचर होने के वजह से ये नॉर्मल टिश्यूज को भी अफेक्ट करते हैं और जो रैपिडली डिवाइडिंग कैंसरस सेल है उन्हें भी अफेक्ट करते हैं। तो ये एक इसका मेजर ड्रॉबैक है। द अनटूवर्ड इफेक्ट आर दस एक्सप्रेस ऑन द बोन मैरो, लिम्फो रेटिकुलर सिस्टम, म्यूकस लाइनिंग ऑफ जीआईटी, हेयर फॉलिकल एंड गोनेट्स। तो जो अनटूवर्ड इफेक्ट है एंटी कैंसर ड्रग के, मींस जो कैंसरस सेल पे भी काम कर रहा है और जो नॉर्मल सेल पे भी काम कर रहा है, तो इनके जो साइड इफेक्ट है बहुत ज्यादा बोन मैरोस पे दिखते हैं। जो भी पेशेंट का बोन मैरो है उस पे इसका अनटूवर्ड इफेक्ट दिखता है एंटी कैंसर ड्रग का। इसके अलावा जो लिम्फो रेटिकुलर सिस्टम है बॉडी के अंदर उस पे इसका अनटूवर्ड इफेक्ट दिखता है। इसके अलावा म्यूकस लाइनिंग जो है जीआई ट्रैक की उस पे भी इसका इफेक्ट दिखता है। इसके बाद हेयर फॉलिकल्स और गोनेट इस पे भी ये एंटी कैंसर ड्रग का इफेक्ट दिखता है। टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी एंड टू गेट बेटर रिजल्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एजेंट हैव doing different mechanism of actions are used. Such combination also help to reduce development of resistance by tumor cell. तो ये जो है toxicity anti-cancer drug का, इसको reduce करने के लिए anti-cancer agent जो है combination में use करते हैं। इसका एक advantage भी है कि अगर combination में हम drugs को use करेंगे तो इसके वजह से tumor cell में जो resistance develop हो रहा है वो डेवलप नहीं होगा, और डेवलप भी हुआ तो भी वो बहुत समय बाद डेवलप होगा। तो जो भी हमें ये कैंसरस सॉरी एंटी कैंसर ड्रग है इसे कॉम्बिनेशन में देना है पेशेंट को, और पेशेंट को जो भी डॉक्टर है वो कॉम्बिनेशन में प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसके वजह से उन्हें ट्यूमर सेल जो है उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता है। तो ये पार्ट हो गया आपका इंट्रोडक्शन।